अभी आप देख रहे हैं मुझे बठिंडा से, और मैं जा रहा हूँ आज बठिंडा से बीकानेर। तो अभी मैं अपने घर से निकला हूँ और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। दीपावली का टाइम है तो इसलिए बीकानेर जा रहा हूँ मैं। हाँ, आपको धुआं धुआं लग रहा होगा, एक्चुअली ये कोई धुंध नहीं है, ये धुआं है और ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस सफ़र को। पूरे रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, शाम का टाइम है, सभी लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं ऑफिस से। और ये हाईवे भी है, ये हनुमानगढ़ को जोड़ता है हाईवे, पीछे और पीछे मानसा दोनों तरफ, एक तरफ हनुमानगढ़ और एक तरफ मानसा को जोड़ता है, तो इस वजह से यहाँ रश भी है। और इस शाम के टाइम और सुबह के टाइम इस रोड पर बहुत ही रश रहता है, यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, जैसे जैसे टाइम और ज़्यादा होगा, अंधेरा होगा, वैसे वैसे इस पर ट्रैफिक बढ़ता ही जाएगा। अब थोड़ा यहाँ से गाड़ी भगाते हैं, नहीं तो अपन इस ट्रैफिक में ही फंसे रह जाएंगे। हाँ, कितनी भीड़ है देखो, हम शॉर्टकट लेते हैं थोड़ा, रास्ता शॉर्टकट से चलते हैं, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। आपको मेन जो बाज़ार है वहाँ लेके चलता हूँ मैं, वहाँ दिवाली की रौनक है। अभी जाएंगे धोबी मार्केट की तरफ, धोबी मार्केट मेन मार्केट है यहाँ का बठिंडा का, तो वहाँ से हम होते हुए रेलवे स्टेशन निकल जाएंगे। चारों तरफ देखिए कितना धुआं धुआं है। यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी मेरे घर से 5 किलोमीटर है, और रेड लाइट हो रखी है जो अभी ग्रीन हो चुकी है, धीरे धीरे ट्रैफिक आगे की तरफ जा रहा है। हाँ, सच में बहुत ट्रैफिक। सड़क के किनारे का नज़ारा देखिए आप, दिवाली के डेकोरेशन के लिए सामान मिल रहा है यहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, एक घंटे का टाइम है, जाएंगे टिकट लेंगे। और आज मैं जो सफ़र करने वाला हूँ जनरल कंपार्टमेंट में करने वाला हूँ, क्योंकि दिवाली के सीज़न में रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल था और मिला भी नहीं, तो इसलिए मजबूर है मुझे अब जाना पड़ेगा जनरल में। 6:30 बजे की ट्रेन है जो हमें पहुँचाएगी 12 बजे, और ये ट्रेन आ रही है जम्मू से अहमदाबाद के लिए जाएगी बीकानेर होते हुए, जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस। आगे रेड लाइट है, फिर से यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों को आवाज़ आ रही है इसमें या नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने माइक कनेक्ट नहीं कर रखा है इसमें, डायरेक्ट गोप्रो से ही शूट हो रहा है। ये है बठिंडा की मेन रोड, मॉल रोड पहुँच चुके हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मॉल रोड। और ये है बठिंडा की मेन, यहाँ पर सब आपको शॉपिंग के लिए बड़े बड़े जो ब्रांड है उनके शोरूम्स मिलेंगे। और शाम को, जैसे अभी तो थोड़ा दिन हो रहा है इसलिए ये इतनी रौनक यहाँ लग नहीं रही है, जैसे जैसे यहाँ पे अंधेरा होगा वैसे वैसे इसकी रौनक और बढ़ती जाएगी। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्किंग है बठिंडा की, ये पब्लिक पार्किंग है, और यहाँ पे देखिए आप थोड़ी रौनक लगी हुई है यार दिवाली की। शूज़ वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, ब्रांडेड है क्या शूज़? तो अच्छे हैं। ये है धोबी मार्केट और हम लोग पहुँच गए धोबी बाज़ार। यहाँ शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं बठिंडा में, ये मेन माना जाता है। तो एक मॉल रोड, मॉल रोड पे तो सब शोरूम मिलेंगे, और यहाँ पे जैसे बिना शोरूम के जो आपको लोकल आइटम्स लेनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। दिवाली की वजह से यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी रौनक लगी हुई है। यहाँ से चलते हैं, देखिए दिए वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। आए थे हम उस दिन, आए थे हम उस दिन, वो शुभम और माए थे ना, जब यहाँ से ही निकले थे हम तब ऐसे ही था। ये देखिए सजा रखा है दीपावली की वजह से, इसीलिए मैं यहाँ से निकला हूँ कि यहाँ से घूमते हुए चलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। ज़बरदस्त रौनक है यहाँ पे भी दिवाली की। मुझे लगा नहीं था कि पंजाब में दिवाली की इतनी रौनक होगी, लेकिन अच्छा सजाया हुआ है, मज़ा आ रहा है। एक तो स्कूटी पे वीडियो शूट करने में ना वैसे ही बहुत मज़ा आता है, मोटो ब्लॉग टाइप हो गया है तो आज। इसमें है वो मेरा दोस्त,
क्यों नहीं होना होगा, दिवाली का तो होता ही है। ये देखिए साइलेंट कूपर में कितनी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी रश हो रहा है इस मार्केट में। तो दिवाली कहीं हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह रौनक ही होती है खूब। और ये हम लोग अभी धोबी मार्केट के अंदर ही घूम रहे हैं। मार्केट से जस्ट बाहर निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। पुलिस वाले, पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पे, पुलिस वाले घूम रहे हैं। ये हम पहुँच गए बठिंडा रेलवे स्टेशन के मेन एंट्रेंस पे, प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ। और रोकू क्या, चल है? साथ में चल रहे ना, पार्किंग में लगाते हैं स्कूटी को। अब हम लोग पहुँच गए पार्किंग में। उतरो, मैं लगा के आता हूँ। अभी हम लोग आ गए पार्किंग में और यहाँ लगाऊंगा मैं स्कूटी, क्योंकि दिवाली के बाद 3-4 दिन बाद आऊँगा मैं घर से, तो तब तक स्कूटी यहाँ खड़ी रहेगी सेफ एकदम। इसका मैंने पास बनवा रखा है महीने का, तो अभी एक बार ही मैं स्कूटी लगा के यहाँ पे और आपसे प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं टिकट लेने के लिए, और अभी भेजा है मैंने टिकट लेने के लिए। यहाँ से टिकट लेंगे 115 रुपये बीकानेर की टिकट, और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ। ये कुछ टिकट काउंटर के आसपास का नज़ारा है। तो ये रही हमारी टिकट, और 230 रुपये लगे हैं 2 टिकट के। आज जनरल में सफ़र करने वाले हम लोग। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, 5 नंबर, ये रहा 5 नंबर सामने। लेकिन हम लोग चलेंगे लिफ्ट से, तो लिफ्ट से चलते हैं, वेट करते हैं थोड़ा लिफ्ट का आने का। तो अब लोग हम जाएंगे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जनरल में सफ़र करके कैसा लगेगा, कितनी भीड़ होगी सोचो। जनरल में सफर करने का मजा कुछ अलग ही है। स्लीपर में तो सफर बहुत किया है, कभी जनरल में भी किया करो। 5 नंबर प्लेटफॉर्म ये है क्या, यहाँ इधर है। हाँ मशीन वाली चाय पीते ना, आ जाओ मशीन वाली चाय पीते ना, अच्छी होती चाय, आ जाओ चाय पीते हैं। ये हो गया, अंकल मशीन वाली है क्या चाय, मशीन वाली है। कितना वेट कर लूँगा मैं, कितना लग जाएगा ये बेटा। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेता हूँ मैं। मशीन वाली अच्छी लगती है। मैं चाय पियो भैया, कॉफी। तो ये ले ली है मैंने चाय प्लेटफॉर्म से, और सामने जा रही है ट्रेन, कौन सी जा रही है ये तो पता नहीं। अब पीते हैं चाय, और उसके फिर बाद आपको थोड़ा प्लेटफॉर्म घुमाऊँगा मैं। तो दोस्तों ट्रेन आ गई है, और अब हम बैठने के लिए तैयार है। काफ़ी लेट हो गई है, 1 घंटा 15 मिनट टाइम लग गया इसको। पीछे आ गया, पीछे आ, खाली बड़ा यार पूछते हो। अच्छा आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, चढ़ जाओ ना, आ जाओ ना। तो देखिए मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए बीकानेर, और रात के 1 बज रहा है।
ट्रेन डेढ़ घंटे लेट पहुंची है। यह बीकानेर का प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब चलते हैं बाहर।